हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब आज की वीडियो में मैं आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ इस मेकअप लुक का अनरे रेडी ये वाला जो मेकअप लुक था ये था नवरात्रि मेकअप लुक ये मैंने कल आ, वीडियो अपलोड की थी तो बस मेकअप क्या एक आधी वीडियो शूट की एंड या उसके बाद फिर मैंने अनरेडी वाली, वाली वीडियो है आउटफिट तो आप लोगों ने देख ही लिया है नवरात्रि आउटफिट है एंड बस कुछ भी नहीं मेकअप उतारने लगी हूँ इतना ज़रूरी था ना मुझे फटाफट से मैं कर रही थी क्योंकि जब मेकअप किया तो उसी दिन एक वीडियो मैंने शूट की थी उसी दिन ही मुझे उस वीडियो को एडिट करना था और उसी दिन ही वो वीडियो जानी थी क्योंकि रात को आठ बजे सेल थी तो ओ माय गॉड फटाफट से मेकअप किया फटाफट से जो भी कपड़ों का ट्राई ऑन किया ये वो एंड उसके बाद फिर मैंने मेकअप फटाफट से उतारा एंड उसी समय मैं एक कप चाय बना के कुछ हल्का फुल्का खाया ना एडिटिंग करने बैठ गई थी क्योंकि एंड ब्रांड वाज लाइक की वीडियो दो वीडियो दे सामने आ के पापा खड़े थे पता नहीं क्या बातें कर रहे थे अपनी तो मैं इनको कह रही थी यार आपने अपनी जो बातें करनी है कर लो पूछ लो मेरे को मेरा काम करने दो फटाफट से मैंने अपने बालों को खोला भी नहीं बस ऐसे बस पीछे करके टाइट कर लिया लेंसेज उतार लिए मैंने यहाँ पे वो कुछ पूछ ही जा रहे थे मेरे से और बता ये बता किसका फ़ोन आया था तो वही पूछ रहे थे क्या बात हुई फ़ोन पे क्या बात हुई मैंने उनको बस बताया फिर उसके बाद फिर कुछ नहीं यहाँ पे लेंसेज बंद कर रही हूँ मैं हाँ जी कल मैंने वीडियो अपलोड की थी मेकअप वाली तो उसमें मैंने बोला था कि मैं मूवी देखने जा रही हूँ तो बस आज वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हाँ जी मैं मूवी देख के आ चुकी हूँ किस्मत टू और मूवी अच्छी थी रोमांटिक थी एंड एंडिंग वॉज वेरी सैड एंडिंग था या दैट्स इट और आ, एक्टिंग सबकी बहुत बेहतरीन थी हॉल वो सॉरी व्लॉग आएगा तो आप लोग ज़रूर देख लेना यहाँ पे बातें करते करते आपने देख लिया मैंने लॉरियल पेरिस का क्लेंजिंग वाटर ले लिया था ठीक है लिंक्स मैं आपको डाल दूँगी सारे प्रोडक्ट्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर लेना आम, क्या हो रहा है ना कि क्लेंजिंग वाटर ले लो या क्लेंजिंग मिल्क ले लो उसके उसके साथ ना मेकअप तो आराम से निकल जाता है बट आई मेकअप को हटाने के लिए ना मैं ऑयल यूज़ करती हूँ क्योंकि ना आईज़ के ऊपर दिख रहा है आपको ग्लू ग्लू सी चिपक जाती हैं क्योंकि अब लैशेज लगाते हैं ना तो ग्लू चिपक जाता है मैं उसको रगड़ती नहीं हूँ बिल्कुल भी तो बस मैं आ, ऐसे क्लीन कर लेती हूँ मूविंग ऑन टू कल का कल का कुछ भी नहीं किया बस हमने मूवी वगैरह देखी फिर हमने गेम जोन चले गए यार को बहुत घुमाया बहुत लंबा चौड़ा ब्लॉग बनाया हुआ है पता नहीं एडिटिंग में सो मज आएगा कितना तो टाइम लगेगा ओ गॉड आजकल यह चैनल पे जमा ही व्यूज़ नहीं है मतलब एकदम ही व्यूज़ नहीं है मेकअप लुक्स के ऊपर भी व्यूज़ नहीं है बताओ भला है एक वही तो मेरी आखिरी होप होती है आ? हाँ जी साड़ीज आ चुकी हैं मेरी दुर्गा पूजा के लिए मैंने दी हुई थी उनको टेलर को कि ब्लाउज वगैरह स्टिच करके दो तो अब नेक्स्ट लुक दुर्गा पूजा का लुक ही आएगा तो यार इतना कुछ प्लान करते पता नहीं क्यों टाइम पे क्यों नहीं कर पाते हद है <laughs> ये तो पहले चली जाने चाहिए होती है वीडियोस बट क्या करें यार अभी तो मैंने सारे ब्रांड्स को मना भी कर दिया रोका भी मैं मैं अभी मुझे काम नहीं करना अभी रुक जाओ अभी एक दो ब्रांड्स को मैंने मना किया आज भी मुझे फोन आया मैंने बोला मुझे अभी नहीं काम अभी मुझे दो महीने अभी मुझे रुक जाओ अभी मुझे कुछ अपनी मर्जी का काम करना है वो भी मेरी मर्जी का ही होता है बट मैंने बोला अभी टाइम ही नहीं है क्योंकि अभी मुझे मेरे हिसाब का कंटेंट डालना है या वैसे भी बहुत कुछ ब्रांड्स पकड़ लेती हूँ फिर मेरे थोड़ा सा पेंडिंग चलता रहता है दे आर लाइक सुबह सुबह फ़ोन आने लग जाते हैं है। मैम हमारा वीडियो कुछ नहीं यार मेरे कपड़ों के हॉल्स तीन चार पेंडिंग पड़े हैं कुछ नहीं किया यहाँ पे मैंने मेरिट वीसीओ का कुछ नहीं किया कुछ नहीं किया करके भी बहुत कुछ कर लिया मेरिट वीसीओ का गाइज मैंने यहाँ पे ना ऑयल ले लिया था तो उसके साथ आईज को हटाया तभी जाके ग्लू हटी मेडिमिक्स का यहाँ पे मैं फेस वॉश ले रही हूं यार पिंपल्स हो गए थे मेरे फेस के ऊपर इसका ना मैं डिटेल में डालूंगी वीडियो वैसे तो पिंपल्स हो गए थे मेरे फेस के ऊपर लिप्स के ऊपर ही होना भी वहीं पे था चिन एरिया पे भी हो गए थे बड़ी मुश्किल से हटे हैं मेडिमिक्स का फेस वॉश काम करता है यार मैंने ना इसको तीन चार दिन लगातार यूज़ किया तो अच्छा वर्क कर रहा था मुझे पसंद आया मेरे पिंपल्स एकदम डेड हो गए अब हल्के हल्के से डार्ग से नहीं रह जाते जो हल्के हल्के से वो भी निकल जाएंगे गुड वाइब्स के यहाँ पर मैंने आर्गन टोनर ले लिया टोनर लगाने से पोर्ट्स मिनिमाइज होते हैं और स्किन आपकी काफ़ी हाइड्रेटेड सी रहती है एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एल्प्स गुडनेस का सेफ्रन वाला ग्लो सीरम ले रही हूँ टोरन को ना थोड़ा सा एयर ड्राई होने दिया यहाँ पे तो बस मैं फटाफट फट से ड, डाल रही हूँ क्योंकि कसम लगी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था स्टिल मुझे था कि नहीं नहीं मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ वैसे कुछ लोगों को मेरी कहानियाँ सुननी अच्छी लगती है वेरी रेयर बहुत कम लोग बट कुछ लोग सुनते हैं ये जो मैं बैकग्राउंड में अपनी कहानियाँ मारती रहती हूँ यहाँ पर मैं डम डॉ की क्रीम यूज़ कर रही हूँ ये काफ़ी अच्छी क्रीम है इसका नाम है डर्म डॉक्स स्किन ग्लो डे क्रीम इसके अंदर है वाइटमिन ई e, हाइड्रेट करेगा स्किन को प्रोटेक्ट करेगा एक्सटर्नल एग्रेसर से और क्रोल्टी फ्री है सल्फेट फ्री है पार्मिन फ्री है अच्छी तरह से क्रीम को लगा लिया हाथों के ऊपर भी थोड़ा बहुत समझ लिया अब क्या करूंगी मैं पर्पल का लिप बाम लगा लूंगी दैट इट उसके बाद भागी थी मैं एक कप चाय बना के एंड उसके बाद मैंने बोला अरे भाई मेरे को कोई मत बुलाए मैं कोई वीडियो एडिट करनी अपलोड करनी है बाई द वे वो जिवा में हॉल था जाके देखो जाके बाय <laughs>